સુધી જી એવી છે કે લંપી ગ્રસ્ત જે પશુ છે ઢોર છે તેનું દૂધ ન પીવું જોઈએ અથવા તો ઉકાળીને પીવું જોઈએ, શું છે સાચું હકીકત શું? देखिए जो हमारे जो साइंटिस्ट है, पहली बात उन्होंने क्लियर कर दिया कि लंपी स्किन की कोई भी वायरल दूध में नहीं आता और दूध उस दूध को पीने से कोई भी बीमारी नहीं आती। इसके अलावा देखिए हम जो दूध पीते हैं, पहली बात तो उबाल के पीते हैं, जो अमूल दूध पैकिंग करके भेजता है वो पाश्चराइज होता है। पाश्चराइज क्योंकि उसको एकदम उबाला जाता है ताकि उसके अंदर कीटाणु आ भी गया तो वो खत्म हो जाए, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। आप कोई भी दूध पिए उसमें कोई पहली बात तो लंपी डिसीज के कीटाणु दूध में जाते ही नहीं है और ना ही उसकी कोई जो ह्यूमन मनुष्य के लिए उसकी कोई हानिकारक है जी। पर उसके अलावा भी अगर मानते हैं भी तो उबालने से वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। એટલે ઉકાળીને દૂધ પીવું વધુ હિતાવહ ગણી શકાશે, ભલે અમૂલ દ્વારા પેશ્યોરાઇઝ દૂધ હોય કે તેને પ્રોસેસ કરવામાં આવતી હોય, આમ છતાં પણ ઉકાળવું વધુ હિતાવહ રહેશે આપના મતે? બિલકુલ સહી હૈ, વો તો નોટ ઇસી કે વાયરલ, ઇસી વાયરલ કરને બાકી ભી કિસી ઓર કિસી ચીજ કે અગર કીટાણુ આતે હૈ તો દૂધ કો અગર ઉબાલ કે પિયા જાય તો હમેશા કે લિયે અચ્છા રહેતા હૈ। और अगर आप पैक दूध ले रहे हैं तो ऑलरेडी उबाला हुआ होता है, ठंडा किया होता है, तो उसको दोबारा उबालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अमूल ने लगता एक सवाल ए पण थई रह्यो छे के अमूल नु जे टर्नओवर छे लगभग 61,000 करोड़ जेटलू छे, आगामी दिवसों में तेनो केटलो वधे तेवो टार्गेट अत्यारे जुवाई रह्यो छे? देखिए अमूल का टर्नओवर डिपेंड करता है कि हमारे जो 36 लाख पशुपालक है गुजरात के वो कितना दूध का उत्पादन करें जी। जिस हिसाब से उनका दूध का उत्पादन हमारे गुजरात में तकरीबन 8 से 9% हर साल बढ़ता जा रहा है, तो हमारा ये जो एस्टीमेट है कि आने वाले 10 साल में अमूल का जो टर्नओवर पिछले साल 61,000 करोड़ था, ये आने वाले 10 साल में बढ़ के 3.5 लाख करोड़ हो जाएगा। और 3.5 लाख करोड़ टर्नओवर मतलब कि इसमें से 80% तकरीबन 2,75,000 करोड़ रुपए 2,75,000 करोड़ रुपया ग्रामीण गुजरात में 36 लाख परिवारों के हाथ में जाएगा और उनके लिए अभी भी है और आगे भी एक महत्वपूर्ण आजीविका का सोर्स रहेगा। पशुपालकों ने कितलो फायदो थशे आना थी जे रीते टर्नओवर वधशे ए रीते? देखिए टर्नओवर तो दूध जो उत्पादन होगा उसका प्रोसेस करके उसको पैक करके बेचने से आता है, तो जो भी आज आप अहमदाबाद में बड़ौदा में सूरत में अगर 1 लीटर दूध लेते हैं 50 रुपए, तो उसका 80 से 85% जो हमारे पशुपालक को गांव में मिलता है तो उससे उस जो दूध का इनकम होते है उससे उसका घर चलता है, बच्चों की एजुकेशन चलती है और जो भी भाव फेर आता है उससे जो सालाना खर्चा वो पूरा होता है। तो आज ग्रामीण गुजरात के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है दूध की आय है। बिल्कुल। आने वाले दिनों में ये और बढ़ने वाली है क्योंकि मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। भारत में इस वक्त 138 करोड़ पॉपुलेशन है जो 2050 में बढ़ के 160 के 65 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा भारत के आसपास के जितने भी देश है, अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट, सभी जगह दूध की शॉर्टेज है, वहां लोगों को दूध नहीं मिल रहा, तो मार्केट भारत में भी और बाहर भी है जी। तो जितना भी हम उत्पादन करेंगे उसकी प्रोसेस करके मार्केटिंग आएगी और उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसानों को मिलने वाला, तो दूध तो एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम गुजरात के पशुपालकों के लिए है और रहेगा।